भारत समाचार में नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ खुशबू। आइए नजर डालते हैं मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों पर एक नजर। बुधवार 26 जनवरी यानी देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मीरा रोड ईस्ट में लायंस क्लब ऑफ हेरिटेज गैलेक्सी ने अपने अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर इस गणतंत्र दिवस को यादगार बनाने का काम किया। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर हर कोई व्यक्ति या संगठनों द्वारा झंडोत्तोलन और मिठाइयां बांटकर सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं दूसरी ओर लायंस क्लब ऑफ हेरिटेज गैलेक्सी के सीए अंकुश गुप्ता ने मीरा भाईंदर रनर्स और करुण्या सेवा फाउंडेशन संस्था के साथ मिलकर मीरा रोड ईस्ट के सेंट जोसेफ चर्च में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन सफलतापूर्वक करते हुए गणतंत्र दिवस के 73वें वर्ष को सेलिब्रेट किया। इस मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लगभग 120 यूनिट ब्लड इकट्ठे हुए। जो भी व्यक्ति इस रक्तदान शिविर में आकर अपना ब्लड डोनेट कर रहे थे, उनको सर्टिफिकेट के साथ साथ इस कोरोना काल में यूज होने वाले मेडिकल किट भी दिया जा रहा था। आइए आपको दिखाते हैं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुए मेगा ब्लड डोनेशन कैंप पर उज्जवल भारत समाचार रिपोर्टर जूही की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जूही उज्जवल भारत समाचार में आप सबों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, उज्जवल भारत समाचार की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 26 जनवरी पूरे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हमारा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दरअसल आज के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में भारतीय संविधान विधिवत रूप से लागू किया गया था। इसी वजह से आज के दिन यानी 26 जनवरी को पूरे देश में यह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन लोगों में खूब हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाते हैं। कई सरकारी और गैर सरकारी जगहों पे झंडा फहराया जाता है, लोगों में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, लोगों में एक अलग ही जोश देखने को मिलता है। कई जगहों पे लोगों द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी खड़ी हूँ सेंट जोसेफ चर्च में, जहाँ आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है लायंस क्लब ऑफ हेरिटेज गैलेक्सी, मीरा भाईंदर रनर्स और करुण्या सेवा फाउंडेशन की ओर से एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। आइए हम बात करते हैं लायंस क्लब ऑफ हेरिटेज गैलेक्सी के सीए अंकुश गुप्ता से। नमस्ते, जैसे कि आपने बताया कि मैं लायंस क्लब ऑफ हेरिटेज गैलेक्सी का एक मेंबर हूँ। मेरा नाम है लायंस सीए अंकुश गुप्ता। और जैसा कि सब जानते हैं कि लायंस हर जगह में सेवा के लिए बहुत मशहूर हैं और सेवा ही काम है लायंस का। तो जब मेरे को मीरा भाईंदर रनर्स ने संपर्क किया कि भाई वो एक ब्लड डोनेशन कैंप करना चाहते हैं, तो मैंने इनके साथ पिछले साल भी ब्लड डोनेशन कैंप किया था। वो काफ़ी हिट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हिट गया था। 66 बॉटल्स हमने कलेक्ट की थी। तो मैं फिर से उनके साथ एसोसिएट हुआ ये टाइम, और ये टाइम हमको ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन 119 आई है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 100 डोनर्स हमको मिलेंगे। और 26 जनवरी से अच्छा कोई दिन नहीं है इसके लिए, क्योंकि 26 जनवरी को हर इंडियन, हर आदमी सोचता है कि भाई मैं अपनी देशभक्ति किसी ना किसी प्रकार से प्रकट करूं। तो ब्लड डोनेशन का हमको जो इतना बढ़िया रिस्पांस मिला है, उसका कहीं ना कहीं श्रेय जाता है 26 जनवरी ये तारीख को, क्योंकि ये तारीख छुट्टी वाला दिन है, माहौल देशभक्ति का है, तो हर आदमी कुछ ना कुछ देना चाहता है देश को। तो ब्लड डोनेशन कैंप हमने इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया एंड हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। एंड ब्लड डोनेशन कैंप में अभी पहले हमारे जो क्लब के जो सबसे बड़े हैं सुनील जी पतोड़िया जी, वो भी आके गए थे। एंड अभी हमारे साथ हमारे क्लब की जो प्रेसिडेंट हैं लायन नीलू पतोड़िया जी, वो पवई से स्पेशली, अंकुश ने इतना दूर प्रोजेक्ट किया है लेकिन पवई से स्पेशली मेरे लिए और इस प्रोजेक्ट के लिए आई हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप वो भी दो शब्द बोलें। हमेशा जैसे हम बहुत सारे चैरिटी सर्विसेज ऐसे करते रहते हैं लायंस क्लब की तरफ से, तो ये भी एक उसी का ही पार्ट है। और ये टाटा हॉस्पिटल से हमें काफ़ी टाइम से रिक्वायरमेंट भी आ रही थी ब्लड डोनेशन के लिए, कि हमें उनकी उनको ज़रूरत थी। तो फिर आज अंकुश ने ये इनिशिएटिव लिया और हमने आज ये ऑर्गेनाइज़ किया।
एंड हमारे साथ एक हमारे क्लब की मेंबर हैं विनीता कुलरी जी, जो काफ़ी एक्टिव हैं। एक्टिव एक्टिव इन द सेंस कि क्या होता है कि जब कोई बंदा या बंदी कोई प्रोजेक्ट करता है और जब उसको अपने अपने लोग मतलब अपने क्लब के मेंबर्स दिखते हैं तो उसका हौसला अफजाई होती है, उसको और मोटिवेशन मिलता है। एटलीस्ट मुझे तो मिलता है कि हाँ भाई प्रेसिडेंट आया तो मैं नेक्स्ट टाइम में और कुछ बड़ा करूँगा। तो विनीता कुलरी जी हमारी मेंबर ऐसी हैं जो तकरीबन हर प्रोजेक्ट में पहुँचने की कोशिश करती हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो भी दो शब्द बोलें आज के प्रोजेक्ट के बारे में। आज यहाँ के काफ़ी अच्छा लगा है, नेचुरली 26 का जो डे है तो मतलब रोंगटे से खड़े हो जाते हैं नाम सुन के, क्योंकि आज हमने कुछ देश के लिए किया है। तो अंकुश और नीलू भाभी जी करते रहते हैं और मैं इनके सपोर्ट के लिए हमेशा इनका साथ देती रहती हूँ और ऐसे ही देती रहूँ तो काफ़ी अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं हम लायंस क्लब, आज 26 जनवरी है और हमारे साथ एक नेशनल प्लेयर है जो क्रिकेट खेलते हैं, गणेश पिसाल नाम है इनका, और ये नीडी हैं लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी रुचि है और नेशनल लेवल तक पहुँच गए हैं। तो हम लायंस क्लब चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स को भी मोटिवेट करें और इन जैसे प्लेयर्स को और आगे लेके आए हैं। तो इनकी रिक्वायरमेंट थी कि इनको प्रैक्टिस करने के लिए सीज़न बॉल लगती है। अब हमको तो सीज़न बॉल का कॉस्ट मालूम नहीं था, हमको लगा 50-100 रुपये की आती हुई कि ले लेंगे, तो मालूम पड़ा कि सीज़न बॉल ही 500-550 रुपये की आने लग गई है आजकल। तो इस महंगाई के ज़माने में हमारी तरफ से, हमारे क्लब की तरफ से हम 2 बॉल इनको स्पॉन्सर करना चाहेंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा 1100 रुपये का चेक हम इनको देना चाहेंगे। हमारी प्रेसिडेंट हैं लायन नीलू पतोड़िया जी, मैं चाहूँगा कि वो अपने शुभ हाथों से इनको दे जरा। तो आइए हम बात करते हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में करुणिया सेवा फाउंडेशन के फादर से। Yeah, this is Father Melvin Dikuna, Parish Priest of St. Joseph Church, Mira Road. So this has been a long dream from our side to reach out to the poor and the needy through crowdfunding. And in this connection, we have formed a trust called Karunya Seva Socio-Cultural Trust. And the first activity of this trust has been the blood donation. And today being a Republic Day, whereby we are reminded of our duties and responsibilities to our nations and to our people, we chose this date whereby we could do something for our poor people by donating our blood. So giving blood or donating blood is giving life to someone. So that's what we believe. And along with the Bainder Mira Road Runners and the Lions Club, we have organized this blood camp. And we are also grateful to Tata Memorial Hospital for doing the needful in the medical line. So I wish you all the best. I thank all the organizers and wish you good luck and God's blessing. तो आइए हम बात करते हैं मीरा भाईंदर रनर्स की डॉक्टर शालिनी अग्रवाल से। हेलो, मेरा नाम जैसे आपने बताया डॉक्टर शालिनी अग्रवाल हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक डेंटिस्ट हूँ, लेकिन फिटनेस की तरफ मैं हमेशा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ खुद की। और हमारा एक रनिंग का ग्रुप है जैसे आपने बताया कि मीरा भाईंदर रनर्स, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट 2500 लोग हैं फेसबुक ग्रुप पे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी चलते हैं। सो बेसिकली मीरा भाईंदर के एरिया में हेल्थ अवेयरनेस एंड थ्रू रनिंग, वो हम लोग लोगों में वो फीलिंग या उनको मोटिवेट करते हैं कि आप लोग एक्टिव रहिए, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरीबडीज़ हेल्थ, वी ऑल नो दैट। उसके अलावा हम लोग सोचते हैं साल में कुछ ना कुछ 2-3 ऐसे एक्टिविटी की जाए जिससे कि वी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द सोसाइटी। सो ये ब्लड डोनेशन कैम्प इज़ एक तरीका है हमारा, जो जिससे हम लोग अपना एक कंट्रीब्यूशन देते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी। सो वी आर वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद लायंस, दिस इज़ आर सेकेंड टाइम दैट वी आर एसोसिएटेड, वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, बट दे हैव ऑलवेज कम फॉरवर्ड टू आर सपोर्ट। एंड कारुण्य सेवा संघ भी हमारा इस बार एक सहभागी बना इस प्रोग्राम में, जिसकी वजह से हम लोगों को ये जगह सेंट जोसेफ चर्च आज मिला है अपना ये कार्यक्रम करने के लिए। सो वी आर थैंकफुल टू देम ऑल्सो। उज्ज्वल भारत समाचार के लिए जूही की रिपोर्ट। वतन वतन मेरे आबादरे।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्ज्वल भारत समाचार चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।